ये है राहुल चौधरी की टीम बिजनौर, इसमें भी काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन टीम, काफ़ी अच्छा। देखते हैं कौन सी टीम फाइनल में प्रवेश करती है और यहीं से सिलेक्शन होगा सीनियर नेशनल के लिए। ये है शामली की टीम, काफ़ी मजबूत दमखम के साथ फुटबॉल करते हुए साहुल कुमार जर्सी नंबर 12 में, कारण में देख सकते हैं लेफ्ट कवर खेलते हैं, क्या नाम है आप कमेंट करके जरूर बताएं। ये है शामली की टीम वार्म अप करते हुए, ये है बिजनौर की टीम और इसमें से कोई एक टीम फाइनल में प्रवेश करेगी। फर्स्ट सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा है, यहाँ पे काफ़ी टक्कर का मुकाबला होगा, एक तरफ राहुल चौधरी की टीम और एक तरफ साहुल कुमार जर्सी नंबर 12 में, जर्सी नंबर 11 हरिंदर। और यहाँ पे स्टार्ट फर्स्ट सेट लेके चले हैं अभिजीत मलिक, शामली के रेजर बिजनौर के खेमे और शानदार टू टच का प्रयास और एक पॉइंट लेने में कामयाब, बिल्कुल अच्छा परिचय दिए अपने रेट का। ये देखें जर्सी नंबर 2 बिजनौर के, और यह सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है शामली बनाम बिजनौर के बीच। देखिए राइट कॉर्नर पे अपने दो कबड्डी के सितारे स्टेट मैच में नजर आते हैं, देखिए कितना शानदार डिफेंस का परिचय देते हुए, और ये अपने कंटिन्यू रेज करते हुए जर्सी नंबर 8 अभिजीत, और यहाँ पे बोनस का प्रयास, क्या बोनस है, बिल्कुल बोनस लेने में सफल है और शानदार 2-0 से शामली आगे लीड लेती हुई। और यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे टारगेट किया, एक पॉइंट लेने में कामयाब है। फिर से निकल पड़े हैं रेजर जी, और इतना ही शानदार टैकल। यहाँ पे फिर से जर्सी नंबर 5 रेजर निकल पड़े हैं हमारे चल है जर्सी नंबर 10 काफ़ी लंबे कद का के रेजर, यहाँ पे इनके मेन रेजर आउट होकर बाहर बैठ चुके हैं। ये है सपोर्टिंग रेजर, नाम है शामली के 10 नंबर जर्सी, काफ़ी अच्छा फुटवर्क और उतना ही अच्छा संयम के साथ खेलती है बिजनौर की डिफेंस। काफ़ी कांटे की मुकाबला चलते हुए दोनों टीम में, काफी चुस्ती के साथ राइट कॉर्नर पे हैं साहुल कुमार, लेफ्ट कॉर्नर पे है हरिंदर। जर्सी नंबर 2 रेड पे Yeah.
और यहाँ पे है डू और डायरेक्ट करो या मड़ो। देखते हैं इस रेंज में क्या होता है। पांच का डिफेंस है, बोनस ऑफ है। चर्सी नंबर पांच ने अपने को जिमवा लिया है। लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर पे निगाह टिका के रखेगा क्या कुछ होता है इस रेंज में। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा फुटवर्क और उतना ही शानदार डाई पावल कुमार के द्वारा। और ये शामली के भी और ये सेमीफाइनल फर्स्ट सेमीफाइनल 50वां सिल्वर जुबली सीनियर सुपर लीग का पुरुष स्टेट कबड्डी प्रतियोगिता जो कि आयोजित करवाया गया जिला कबड्डी संघ लखनऊ के द्वारा। और ये सेमीफाइनल चलता हुआ पहला सेमीफाइनल बिजनौर बनाम शामली। और यहाँ पे डिफेंस देख सकते हैं शामली और यहाँ पे टच का प्रयास, टच लेने में असफल है। ये चले हैं जर्सी नंबर 10, काफी है जबरदस्त। और ये चले हैं रेजर सामने के खेमे में। काफी अच्छा फुटवर्क और शानदार टैकल कवर के द्वारा। काफी अच्छा रेजर जर्सी नंबर 8 अभिजीत मलिक शामली के रेजर 4 के डिफेंस में। काफी अच्छा फुटवर्क और ये यहाँ पे थर्ड रेट साइड के बाद ये आप देख सकते हैं रेजर थर्ड रेट है करो या मरो कर क्या होता है। और उतना ही सफलता के साथ इन्होंने तिल जीत लिया। नाम है अभिजीत। बोनस का प्रयास क्या लेने में सफल है बिल्कुल। और यहाँ पे टाइम आउट ले लिया गया है बिजनौर के कोच के द्वारा। और यहाँ पे देख सकते हैं स्टैंडिंग मैन में राहुल चौधरी बैठे हुए हैं अपनी टीम को समझाते हुए। ये है शामली की टीम एक से बढ़कर एक रोक स्टार प्लेयर स्टेट चैंपियनशिप में अपना दमखम दिखाते हुए। और ये चले हैं अभिजीत। तीन का डिफेंस है सुपर टेकल और छठ रेट आएगी महज नहीं बिल्कुल नहीं। और देखिए डिफेंस कैसे धारती हुई शामली की डिफेंस।
ये है जर्सी नंबर 5। हमारे अभिषेक प्रताप सिंह जी उपस्थित हैं, जो हम मैनेजर ललिता डेयरी प्रोडक्ट्स के हैं, जिन्होंने लगातार हमारे इस आयोजन को पूरी चर्ची में रह जा रहे क्या कुछ करते हैं और यहाँ पे एक पॉइंट लेने में कामयाब रहे। थर्ड रेस शामली के लिए यहाँ पे चर्ची नंबर 10। बिल्कुल अंदर जा घुसे और घर दबोचे गए। श्री शिवेंद्र त्रिवेदी जी जो कि SBI शाखा प्रबंधक हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं और अपने अध्यक्ष को संबोधित करूंगा कि अपने कथनों से उन्हें स्मृति चिन्ह स्मृति चिन्ह और स्वर्गीय भेंट करने के बाद में चल पड़े हैं चर्च नंबर 2। काफी लंबे पद काटे थे इधर और उतना ही अच्छा डिफेंस बिजनौर की। और यहाँ पे सुपर टैकल ऑन टीम का डिफेंस है, क्या रेजर आउट होते हैं या डिफेंस सुपर टैकल मारते हैं। राइट कॉर्नर पे साहू, लेफ्ट कॉर्नर पे चैनल डिफेंडर, क्या कुछ होता है इस रेंज में। और यहाँ पे ठगरेज है और सुपर टेकल ऑन है, क्या होता है इसमें। सिक्रेटरी का नाम अनुप शुक्ला जी, अरे कभी घर भी आ जाइए काम। और यहाँ पे शानदार एंकल होल्ड, 2 पॉइंट लिया गया डिफेंस में। जिन खिलाड़ियों का मैच नहीं है दूसरे खिलाड़ियों के लिए दोनों टीम के तैयारी शानदार की प्रयास बैक की कर रहे हैं और इतना ही अच्छा फुटबॉल। शानदार और यहाँ पे शायद इंजरी हो गई है। और यहाँ पे सुपर टैकल शामली के डिफेंस के द्वारा सुपर
कुछ और का डिफरेंस है, पाँच मिनट के जर्सी में क्या कुछ करते हैं। फैमिली के लिए सुपर टैकल ऑन है, राहुल कुमार रेक पर निकले हैं, क्या कुछ करते हैं। सुपर रेक लगा दिए राहुल कुमार ने, बिल्कुल खतरनाक रेक। रजर निकल पड़े हैं अभिजीत ठाकरे जी, कुछ देर पहले ही इन्हें चोट लगा है और चोट से रिकवरी करने के बाद इन्होंने फिर से अपने ऊपर जुम्मा लिया है जो और डायरेक्ट का है। शानदार के लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर लेफ्ट कॉर्नर पर चले गए हैं साहुल कुमार,
चार का डिफेंस से देखते हैं क्या होता है इस रेंज में। काफ़ी कांटे की सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ है, सेमीफाइनल फर्स्ट सेमीफाइनल बिजनौर बनाम सामने और यहाँ पे का प्रयास। यहाँ पे टू और डायरेक्ट इज नॉट दो नंबर की जस्ट मेरे करते हुए थर्ड रेट और यहाँ इसी के साथ हाफ टाइम और कोच चेंज। देखते हैं कौन सी टीम अभी लीग में है, ये देख सकते हैं सामने की टीम। सामली हाफ टाइम का फर्स्ट हाफ टाइम का स्कोर है सामली 18 और ये बिजनौर की टीम ये है। और यहाँ बिजनौर है 13 और ये सामली है 18। फर्स्ट सेमीफाइनल मैच 50वीं सीनियर सुपर कबड्डी लीग स्टेट कबड्डी चैंपियनशिप जो कि जिला कबड्डी संघ लखनऊ के द्वारा आयोजित किया गया है और ये है दो फाइनल टीम आपस में लड़ रही है। अब देखना होगा कि इस मुकाबले में फाइनल में कौन सी टीम प्रवेश करती है। तो फिर से सेकेंड हाफ का मैच स्टार्ट होते हुए ये देखिए बिल्कुल ये रेजर के हैं दो नंबर की जर्सी में। और ये सुपर टैकल ऑन है बिजनौर के खेमे में, रेजर है सामने के जर्सी नंबर 8 अभिजीत। क्या कुछ होता है इस में बिल्कुल कांटे की टक्कर मुकाबला क्या कुछ होती है इसमें। और यह बोनस पॉइंट बिजनौर के खाते में चुरता हुआ आपका समर्पण आपका ध्यान
कबड्डी के प्रति आपका देना है, आपको स्वतः ही विशेष बता देना है। मोहम्मद अकबर जी आपको कबड्डी के लिए उतना ही अनुराग, उतना ही प्रेम है और आपके प्रयासों के कारण आपको उत्तर प्रदेश में कबड्डी और थर्ड रेंज सामने के लिए क्या कुछ होता है। और यहाँ पे बॉस ये राहुल चौधरी थोड़ा भय से बाद अंपायर का डिसीजन आना बाकी। रेजर सेफ है या रेजर आउट, रेजर सेफ, डिफेंडर आउट। बोनस पॉइंट लेने में बिजनौर कामयाब रही। दो का डिफरेंस है, सुपर टेकलॉन है, क्या कुछ होता है इस रेंज में। आओ आओ टू प्लस टू फोर पॉइंट ऑल आउट। बिजनौर की खिलाड़ी ऑल आउट के बाद क्या वापसी कर पाते हैं इस मैच में देखना होगा। सामने इस पर बढ़त बनाती हुई काफ़ी अच्छे अंक के साथ देखिए राहुल चौधरी पूरा गुस्साए में है कि बोनस नहीं मिल रहा है, इस कारण से लाजमी भी है किसी टीम के लिए अगर प्लेयर लगातार ले रहा है। अंपायर का डिसीजन सर्वमान्य होता है, अंपायर को जो डिसीजन दिखा वही उन्होंने दिया। अंपायर से बहस ना करें तो देखिए कितना अच्छा है। और फाइनल की मैच है, काफ़ी टफ मैच चलती रहेगी और फिर से मैच स्टार्ट। गर्मा गर्मी मुकाबला इसमें और टू और डायरेक्ट चर्च में पाँच के ऊपर जिम्मा है, देखते हैं क्या करते हैं। बिल्कुल ठीक का प्रयास और चर्च मारने में कायम रहे।
कैसे का डिफेंस क्या कुछ होता है इस रेंज में। हरिंदर आप के बेंच पर हैं, टैकल बिल्कुल कहर वाला टैकल। ये काफी शानदार मुकाबला दोनों के बीच, सामली बनाम बिजनौर, चक्कर का मुकाबला, 5 का डिफेंस क्या कुछ होता है इस रेट में। और ये चले हैं बिल्कुल टच मारने का प्रयास, टच मारता है। तो अतिथि जो अभी हमारे लिए उपस्थित नहीं थी, हमारे मंच प्रधान के मैं स्वागत करता हूँ। परिवार गुरु जी ने मैं अनुरोध करूँगा अगले जिला श्री कसर बात करने के लिए अपने महासचिव उत्तर प्रदेश कमिश्नर श्री राजेश कुमार सिंह से उन्हें मान्य वस्त्र और निश्चित के लिए उन्हें सम्मानित करेंगे। कृपा करें स्थित चिन्ह जब तरफ में फोटो फोटो देखिए। अभी भी सामली लीड करते हुए इस मुकाबले में फोटो मैं अपने बीच उपस्थित ये है टू और जाहिर है शामली के लिए क्या कुछ होता है इस रेंज में। बिल्कुल शानदार डाइव और पॉइंट देने में कामयाब रहे। और टू और जाहिर बिजनौर के लिए सुपर टैकल ऑन है शामली के खेमे में, क्या कुछ होता है देखना होगा। जो कि मीडिया प्रभारी है विधानसभा कवर करते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, मैं सबसे अनुरोध करूँगा कि उनके लिए स्थिति के भेंट करके उनका सम्मान करें। स्थिति के और सम्मान का शानदार सुपर टैकल। काफ़ी गर्मा गर्मी का माहौल दोनों टीम के बीच, काफ़ी शानदार खेल का परिचय देती दोनों टीम। और यहाँ पे साहुल आए हैं रेक पर, इससे पहले इन्होंने सुपर रेक लगाया था हाफ टाइम से पहले। काफ़ी अभी भी शामली के खेमे में लीड, और क्या बिजनौर इस मुकाबले में वापसी कर पाती है या नहीं। जा रहा हूँ 1 पॉइंट शामली के खेमे में। और ये चले हैं जर्सी नंबर 2, और यहाँ पे थर्ड रेजर शामली के लिए करो या मरो।
यहाँ पे शानदार टच। और ये जर्सी नंबर 9 चल पड़े हैं शामली के खेमे में, क्या कुछ कमाल करते हैं इस रेंज में देखना होगा। बोनस लेते हैं या सुपर रेट लगा दिए यहाँ इन्होंने। और यहाँ पे शामली समय बर्बाद करते हुए, और ये है गया सेफ रेक। रेक पर आए हैं साहुल कुमार। और यहाँ सुपर टैकल और है काकू 27 रेज में। यहाँ पे शामली टीम लीड करने के बावजूद ऑल आउट का खतरा मंडराता हुआ शामली की तरफ, क्या ये रेजर ऑल आउट से बचा पाते हैं या नहीं। शानदार जंप और टाइम आउट ले लिया गया है। ये है बिजनौर की टीम। ये है शामली की इंजरी के कारण अभिजीत मलिक को बाहर सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। और यहाँ पे शामली की टीम अपने प्लेयरों को कोचिंग देते हुए, शामली के कोच प्लेयरों को कोचिंग देते हुए माफ करें। और ये है जर्सी नंबर 9 सुपर टैकल ऑन है, लगातार इससे पहले 2 सुपर टैकल कर चुकी है शामली। क्या होता है इस रेंज में, शानदार सुपर टैकल। क्या हो रहा है इस मुकाबला में देखना होगा, और इसमें से जो भी टीम जीतेगी वो जाएगी डायरेक्ट फाइनल में और अपना फाइनल में प्रवेश सुरक्षित कर लेगी। उसके बाद है सेकंड सेमीफाइनल बुलंदशहर बनाम मुजफ्फरनगर। ये है रेजर निकल पड़े हैं काफ़ी अच्छा फुर्ती के साथ, क्या कुछ करते हैं इस गेम में। रेजर आउट, रेजर
रेजर आउट। अंतिम चार मिनट और अभी भी शामली लीग में क्या कुछ होता है इस रेंज में। थर्ड रेड है शामली के लिए। चार का डिफेंस है, क्या कुछ होता है इस रेंज में। अंतिम तीन मिनट शानदार बुलंदशहर और गाजियाबाद की सेमीफाइनल, सेकेंड सेमीफाइनल है बुलंदशहर बनाम गाजियाबाद। और शानदार टच तीन मिनट का गेम शेष, क्या कुछ होता है। और शामली टीम फाइनल में प्रवेश करने के लिए अपनी जगह सुनिश्चित कर ली है। अब बस औपचारिकता ही बाकी रह गई इस मैच में। क्या बिजनौर की टीम वापसी कर पाएगी इस मुकाबले में। कबड्डी का खेल है भैया, कुछ भी हो सकता है यहाँ। लास्ट टू मिनट टू कॉल, क्या होता है। समय व्यतीत करते हुए शामली के ब्रेजर, और यह है चार नंबर की जर्सी में चौथे कट काटी के रेजर, काफ़ी फुर्तीले और परस्यूट का प्रयास, क्या कुछ हो पाता है इस स्टेज में। डायरेक्ट शामली चार का डिफेंस, और समय व्यतीत करते हुए काफ़ी शानदार मुकाबला। दोनों टीमें आपस में काफ़ी अच्छा टक्कर दी, और यहाँ पे दो पॉइंट शामली के खेमे में। माज औपचारिकता ही बाकी रहेगी, सुपर टेकलॉन है, क्या कुछ होता है इस रेंज में। और इसमें से शामली ने अपनी जगह फिक्स कर लिया है फाइनल के लिए, और फाइनल में प्रवेश कर चुकी है शामली की टीम, और इसी के साथ बिजनौर पहाड़। काफ़ी शानदार मुकाबला, और यहाँ पे मैच खत्म। शामली की टीम जीत चुकी है इस मुकाबले को। काफ़ी शानदार मुकाबला रहा दोनों टीम के लिए। ये है हमारे बीच स्टार रेजर राहुल चौधरी, पोस्टर बॉय। और मिलते हैं स्टूडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।